सोलन में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा धर्मपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानी वाला ने की। उन्होंने बताया कि उनका संगठन अभी 8 राज्यों में सक्रिय है और आज हिमाचल में भी उनके द्वारा वेद गर्ग को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वही कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानी वाला ने कहा कि एमएसएमई को देश प्रदेश में बढ़ाने की आवश्यकता है। 31 लाख करोड़ में से 35% ही खर्च हो पाया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को अगर बढ़ाया जाए तो रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर नव नियुक्त अध्यक्ष वेद गर्ग ने रोष जताते हुए कहा कि प्रदेश में व्यापारियों को चोर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी प्रदेश के विकास के लिए अहम योगदान देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हमेशा शर्मसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को पेंशन देने के वादे किए गए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश के व्यापारियों को यह आश्वासन दिया कि वह संगठन को मजबूत कर प्रदेश के व्यापारियों की आवाज उठाएंगे और किसी भी तरह उनका शोषण नहीं होने देंगे। जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हमेशा व्यापारियों के लिए लड़ता रहा हूं। पहले भी चाहे वो एनजीटी के लिए लड़ा, चाहे मैं व्यापारियों के लिए लड़ा, मैं हमेशा व्यापारियों की आवाज़ आज तक उठाता रहा हूं। चाहे मैं जो प्लेटफॉर्म मेरे पास पहले थे, मेरे पास होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और प्लेटफॉर्म थे, जिससे मैं हमेशा व्यापारियों की आवाज़ उठाता रहा हूं। अब मुझे राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का हिमाचल प्रमुख बनाया है। सबसे पहले तो मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पूरे हर एक जिला में अपने हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे और टीम बनाएंगे पूरी, जिससे हिमाचल प्रदेश में हमारी जो टीम है पूरा नेतृत्व करे यहाँ और सबको संभाले, और जो व्यापारियों की मांगे हैं या उनकी जो उनकी अनदेखी हो रही है उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। जैसे आज मैंने व्यापारियों की दुर्दशा के बारे में बताया, वो जो दुर्दशा व्यापारियों की होती है, इंस्पेक्टरी राज कब से ख़त्म हो रहा था पर आज तक वो ख़त्म नहीं हो पाया है। आज भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लाई आता है और व्यापारी को डरा धमका के चला जाता है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और व्यापारी जो देश को बिना पैसे लिए, बिना तनख्वाह लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, कहाँ तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए कि वो अपना समय अपना पैसा लगाकर लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, कहाँ उसको बदनामी मिलती है। तो व्यापारियों को इज्जत करना सीखें, व्यापारियों को इतना कमज़ोर ना समझें कि व्यापारी बहुत ही कमज़ोर हैं, ये व्यापारी की अनदेखी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि ई कॉमर्स ने देश से व्यापारियों को खत्म करना आरंभ कर दिया है। 6% व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं, रोज व्यापारी आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। जीडीपी लगातार गिर रही है, जिसकी मुख्य वजह टैक्स प्रणाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ पूंजीवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन छोटा व्यापारी जीएसटी के कारण व्यापार छोड़ने पर मजबूर है। सरकार ने कहा था जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि बिना सीए के जीएसटी रिटर्न नहीं भरी जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन करना चाहिए, ताकि व्यापारी अपनी समस्या सरकार के समक्ष रख सके। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर जो रिटेल सेगमेंट है, खुदरा व्यापार है, वो 948 अरब डॉलर का व्यापार देश के अंदर खुदरा व्यापार का होता है। आज पूरे देश के अंदर से खुदरा व्यापार दिन पे दिन घटता चला जा रहा है। उस खुदरा व्यापार के लिए आज जैसे उसका मुख्य कारण है जो ई व्यापार है, ई कॉमर्स साइट है, जो विदेशी ई कॉमर्स है, उससे जो 2008 में 200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार होता था, आज वर्तमान में 6,20,000 करोड़ रुपए का यह व्यापार फैल गया है। अगर यही स्थितियां जिस तरह से फैल रही हैं, उसका सबसे बड़े दुष्परिणाम देखने को इस समय नज़र आ रहे हैं कि हमारे देश की खुदरा व्यापारियों की दुकानें लगभग 6.5% दुकानें 19-20 में 2 साल के अंदर बंद हुई हैं किसमें, और साथ ही जो दो व्यापारी कभी आत्महत्या नहीं करता था, आज वर्तमान में 2019-20 में 21 व्यापारियों ने प्रतिदिन आत्महत्या करने का काम किया है। वहीं 2020-21 में प्रतिदिन 40 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। इससे इसको सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार देश के खुदरा व्यापार को बचाए। जब व्यापार बचेगा तो रोजगार बचेगा, जब रोजगार बचेगा तो ये देश बचेगा। उसके बचाने के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन
पूरे देश के अंदर एक आंदोलन, एक मुहिम राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 सितंबर को दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। उसमें मांग करें कि देश के अंदर खुदरा व्यापार को बचाने के लिए खुदरा व्यापार मंत्रालय का गठन किया जाए। धन्यवाद।